हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रोशि और आज मैं आप लोग के लिए वीडियो लाई हूं ऑफ हरिद्वार। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल रेगुलरली देख रहे हैं तो लास्ट व्लॉग था मेरा ऋषिकेश का। तो जब मैं ऋषिकेश गई थी तब लौटते वक्त मैं हरिद्वार होते हुए दिल्ली पहुँची थी। तो हरिद्वार में पहुँची ऋषिकेश से, जैसे ऋषिकेश ट्रिप ख़त्म हुआ मैं हरिद्वार के लिए निकली। ऋषिकेश से हरिद्वार आने के लिए आपको टुक टुक मिलेगा जिसमें आपको 45 मिनट्स टू 1 आवर लग सकता है। टुक टुक वाले को बोलिएगा हर की पौड़ी में उतरना है तो वो आपको यहाँ पे उतारेगा। यहाँ पे मैंने आके देखा कि सब लोग ये राइट साइड पर, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं राइट साइड की तरफ जा रही हूँ, सब लोग वहाँ जा रहे हैं। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि शायद आरती वहीं पर होगी, तो इसीलिए मैं भी जैसे सब लोग जा रहे थे उसी हिसाब से गई। एंड हाँ, यहाँ पे आके मैंने चने ट्राई किए थे, उबले हुए चने, एंड पानी पूरी भी ट्राई की थी बट वो कुछ खास नहीं लगी। तो यहाँ पे आके आप उबाले हुए चने ज़रूर से खाएं, क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी तो मैंने वो खाना सही समझा। फिर मैं ये, जैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि शाम की आरती का वक्त हो ही गया था तो उस हिसाब से सब लोग जैसे जा रहे थे वैसे मैं भी पीछे पीछे जा रही थी। देख रही हूँ कि सब लोग वो उस ब्रिज पे जा रहे हैं जो आपको दिख रहा होगा वीडियो में, तो उस वीडियो से आई गेस सब लोग आरती देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं भी वहाँ पे जाती हूँ एंड देन देखने की कोशिश करती हूँ। पर यहाँ पे आके पता चलता है कि मतलब कि यहाँ से तो काफ़ी दूर से दिखाई देगा या नहीं, फिर भी सब लोग खड़े हुए थे देखने की कोशिश कर रहे थे। एंड देन मैं आई गेस आधा घंटा खड़ी रही देखने के लिए कि आरती कहाँ हो रही है, कहाँ रही है, एंड खाली मुझे लॉ देखने के लिए मिली। तो फिर मैंने सोच लिया कि इससे कुछ नहीं होने वाला, ये देखिए इतनी सारी भीड़ थी शाम को। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि सुबह जल्दी उठ जाऊँगी एंड देन सुबह की आरती अटेंड करूँगी। तो अगर आप शाम को भी आ रहे हैं तो आपको कहाँ पहुँचना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आरती देखने के लिए। तो जहाँ मैं सुबह पहुँची हूँ वहाँ आपको शाम को पहुँचना रहेगा, तभी आप आरती प्रॉपरली देख पाएंगे। तो फिर मैंने बस ऐसे ही, मतलब फिर शाम को तो फोटो वोटो खिंचवाया एंड देन ढूंढने लगी रहने के लिए स्थल। तो ये आपको जैसे दिखा होगा गेस्ट हाउस, वो मुझे मिला, वो भी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी एंड यहाँ पर देखा कि मतलब अकेले लड़की को तो मतलब रूम नहीं मिल रहा है, मतलब सिंगल हो करके नहीं दे रहे थे कोई। फिर एक अंकल ने पूछा कि बेटा आप क्या ढूंढ रहे हो, तब मैंने बताया, तब जाके वो बोले कि ठीक है यहाँ पे आपको मिल जाएगा करके। आई थिंक 700 या 800 लिया था मुझे पर नाइट का। फ्रेंड्स, ये जो मंदिर है उसके राइट साइड पे गंगा सभा करके लिखा हुआ है, उससे लेफ्ट साइड पे आपको जाना है। ये देखिए, ये लेफ्ट साइड है गंगा सभा जहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसके लेफ्ट साइड पे ये मंदिर वगैरह हैं। तो यहाँ पे आरती होती है तो आपको एग्जैक्टली इसके अपोजिट में बैठना है। वहाँ पे भी स्टेयर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे बैठने के लिए, एंड स्टेयर्स पे नीचे बैठने के लिए यहाँ पे कुछ प्लास्टिक कवर भी मिल रहा था, वो 10 रुपये का मिलता है फ्रेंड्स, तो वो ज़रूर से ले लीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, आरती शुरू हुई थी 6 बजे के बाद ही, तो ज़्यादा जल्दी उठ के भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पहुँची उसके आधे घंटे बाद आरती शुरू हुई। मुझे ऐसा कि अब मैं ऑनलाइन नेट पे टाइम चेक करके गई थी, उसके बावजूद भी 6 बजे, 6 या 6:30 के आसपास कुछ आरती हुई थी। तो इसीलिए ज़्यादा जल्दी उठ के भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ठंड काफ़ी रहती है। फिर अगर कुछ लोगों को ठंडे पानी में नहाना है तो फिर वो ज़रूर से जा सकते हैं, हालांकि मैंने तो कोई डुबकी वुबकी नहीं मारी थी। तो अगर आपको नहाना है तो थोड़ा सा जल्दी पहुंच सकते हैं। एंड देन फिर मैंने थोड़ा सा ऐसा वीडियो रिकॉर्ड किया आसपास क्या है वो आप लोग को दिखाने के लिए, एंड बस फिर नाश्ता वास्ता करके फिर मैं निकल गई थी दिल्ली के लिए। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, एंड अगर ऋषिकेश का वीडियो नहीं देखा हो तो वो भी देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय।